अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आगे वलियो और माशाल्लाह आज बहुत ही मुबारक दिन है और वेलकम है जी मेरे व्लॉग पे आप सबका। आज ही बहुत ही प्यारा खूबसूरत ईद उल फितर का दिन है और अल्लाह ताला का इनाम हमें मिला है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ कर अभी फारग हुए हैं और हम भी इसी जगह इसी खूबसूरत मस्जिद के बाहर हमने भी नमाज अदा की है और आप हमारे चेहरों की उदासी देख सकते हैं परदेसियों की, क्योंकि ईद वाले दिन पे ही परदेसियों के चेहरे थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं कि घर वालों से दूर और ईद अकेले कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ मंशा भाई हैं और आगे जी मेरे साथ ये हैं जी बिलाल भाई, मंशा भाई और साथ ही हाल साहब के बेटे जीशान। हालत नाज़रीन ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने नमाज अदा कर ली है जी। जीशान भाई हैं, बिलाल भाई हैं और हमारी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच आपने हमारे बुला के। जीशान भाई कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं कुछ तो कह दे यार, तेरी मेहरबानी। और इधर हमने कुछ सेल्फी ली ताकि हम अपने घर वालों को भेज सकें। बात कुछ यूँ है कि कल रात को मैंने सेवइयां बना दी थी, बनाई थी तो फ्रिज के ऊपर वाले दौर में रख दी थी, तो अभी कह लो कि बर्फ बन गई है। मैंने कहा खाते हैं बर्फ। मैं तो ठीक, लेट्स अभी इसे करेंगे गर्म करेंगे, देखते हैं अगर जायका अच्छा निकला तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं कोई और चीज़ बना लेते हैं। काफ़ी मज़े की थी उस वक्त, तो चल दे चेक करते हैं क्या बनता है, गर्म करते हैं इसे। नाज़रीन हम कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है, जैसे कि मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है भाई, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, नहीं निकलेगी भाई, जम गई है। कोई बात नहीं है जी, कोशिश करेंगे। तो बहुत ही कोशिशों के बाद जी ये अभी थोड़ा सा निकाला है, तो ये गर्म कर रहा हूँ, पता नहीं अब कैसा जायका टेस्ट आता है, तो देखते हैं टेस्ट करके ख़त्म पड़ेगी इंशाल्लाह। अभी तो कुछ फातिहा दुरूद अपने बड़ों को पहुँचाएँगे, इनके लिए दुआ मफ़रत करेंगे, ठीक है। चल रहे देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। करीम नबी रसूल साढ़े हालात रहम फरमा, मेरे मौला साढ़े उमर आज बरकत अदा फरमा, ए अल्लाह तुम तेरी करीम नबी का वास्ता रहम फरमा दे, अल्लाह तुम तेरी करीम नबी का वास्ता, अल्लाह इस रमज़ान दे सदके साढ़े गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह करीम तू अपने हबीब के सदके हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह अल्लाह तेरे रोज़े आए मेरे मौला हम हक अदा नहीं कर सके, मेरे मौला तू अपने हबीब के सदके मेरे मौला हमारी कोताहियों पर पकड़ ना करी, मेरे मौला तेरे रमज़ान का हक अदा नहीं कर सके, मेरे मौला फिर भी कोशिश की, मेरे मालिक फिर भी कोशिश की, इस कोशिश को कबूल व मंजूर फरमा, या इलाही शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, मेरे मौला मैं मांग रहा हूँ मेरे मौला तो अपने हबीब के सदके कलाम जो मैंने पढ़ी है, मेरे मौला अपने हबीब के सदके इस कलाम का सवाब उम्मत मुसलमा को जो इस दुनिया फ़ानी के से चले गए हैं, तमाम अहले इस्लाम के जितने भी मदफून मेरे मौला, तमाम दुनिया में जितने भी इस दुनिया फ़ानी से मुसलमान चले गए हैं, कलमे गो चले गए हैं, मेरे मौला कलमे की हालत में तमाम को इस कलाम का सवाब अता फरमा, तो ये तेरे नबी का वास्ता रहम फरमा दे, या रहम रहीमिन, या रहम रहीमिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला या रब कायनात। जिस जिस ने आमीन कही है सब की मेरा मौला आमीन कबूल फरमा और हमें बख्श दे, तो ये रब करीम है, आमीन सुम्मा आमीन। जी इसके बाद हम मार्केट गए और मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदी, चीज़ें खरीद कर हम फिर घर आए, घर आकर जी हमने बहुत ही स्पेशल चना चाट बनाई जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है जी, हमने बहुत ही मैंने बहुत ही प्यार से बनाई। चाट खाते खाते हमने अपने घर वालों को वीडियो कॉल की और उनको भी एडवांस ईद मुबारक कहा, हमारी ऑलरेडी ईद गुजर चुकी थी और हमने बहुत ही इंजॉय किया भाई, चाट खाई, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं फिर शाम के वक्त जी अपनी एडिटिंग का जो काम रहता था पेंडिंग मैं वो करने लग गया। शुगर मेले के बाद हमने माशाल्लाह बहुत अपनी ईद इंजॉय की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी की होगी। और आपने मेरा व्लॉग देखा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी वीडियो को जाइएगा, शेयर भी करना और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।